उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एसपी सिटी राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि इनकम टैक्स कमिश्नर बनकर लोगों को अपना निशाना बनाता था। उन्होंने बताया कि थाना जनकपुरी एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने इस फर्जी अधिकारी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि यह अधिकारी बनकर बड़े बड़े अधिकारियों को भी फ़ोन करता था। सहारनपुर में भी इसने अपने एक साथी के साथ मिलकर कई अधिकारियों को फ़ोन कर अपने झांसे में लेने का प्रयास किया था। इसका दूसरा साथी जो कि पुलिस में है वो सहारनपुर जिला कारागार पर तैनात है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फर्जी अधिकारी यहाँ पे जनकपुरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये फर्जी IRS अधिकारी अपने को बताता था, जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स बता के अधिकारियों को धौंस देता था, वसूली करता था। इसने अपने साथ एक जेल कर्मचारी को भी वर्दी पहना के अपने गाड़ी में लेके चलता था। लोग इसके प्रभाव में आ जाते थे और समझते थे कि ये वाकई में इनकम टैक्स का अधिकारी है। और इसने लोगों को धमकी दे के और वसूली करना शुरू कर दिया था। और कल एक वसूली की सूचना पे ही जनकपुरी पुलिस को जानकारी हुई, तो इसको फिर जब गिरफ्तार किया गया, पूछताछ हुआ, तो इसने पूरा मामला बताया। इसके पहले भी ये लोगों को फर्जी नौकरी लगवाने के नाम पे पैसा लेके जेल जा चुका है। दो मुकदमे पहले से इसके ऊपर लिखा गया है। अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था और जेल के एक कर्मचारी से जेल के में रहने के दौरान इसकी मुलाकात हो गई थी और उसको लेके इस तरह से पूरा फर्जीवाड़ा कर रहा था। ये कार्रवाई जनकपुर पुलिस द्वारा सुनिश्चित की गई। सर, कुछ शराब वराब की डिमांड किसने की गई? हाँ, इसने यहाँ पे सहारनपुर में आबकारी विभाग के एक अधिकारी से फ़ोन करके कि मैं ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स बोल रहा हूँ, मेरी पत्नी का बर्थडे है, मुझे कुछ शराब की ज़रूरत है, वहाँ से शराब की मांग की और वहाँ पे वसूली करने गया था। उसी सूचना के आधार पे इस पे कार्रवाई की गई। सर, आबकारी और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन रहा इसके रेस्क्यू? हाँ, सूचना आबकारी विभाग द्वारा ही पुलिस को दी गई थी शक होने पे, और जब इसको उस सूचना पे कार्रवाई की गई और इसको गिरफ्तार किया गया तो पूरे मामला खुलासा हुआ है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।